मैंने उठाया था तो स्पीकर ने कह दिया गवर्नमेंट से कमेंट मांग रखे हैं और डिसाइड एडजॉइनमेंट मोशन उसको तो देर कर दी। अब जो था बोलने जो मैंने बुलवा दिया बोलो तुम शुरू कर लो कर लो शुरू करो करो बता दो तुम करोगे ना शुरू। सेशन के कल पहले दिन की कार्रवाई थी, सेशन के कल पहले दिन की कार्रवाई थी, हमने एडजॉर्नमेंट पोर्शन हुआ था फ्लड के बारे में जो नुकसान हुआ फ्लड से और वो और सब जो है उसमें बदल दिया उन्होंने फॉरेन एजेंसी में। मेरे को लगता है सरकार जो है जल्दबाजी में है और जवाब देने के लिए बाकायदा इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए था। काम लोगों को प्रस्ताव दिया था आपने उस पर बात होनी चाहिए कि इतना भारी नुकसान हुआ है लेकिन सरकार जो है उसमें इसी प्रकार से जैसे हमने कानून व्यवस्था बदले रखा है जैसे नू का मामला उसके ऊपर और स्पीकर ने कहा कि हम ये सरकार के पास कमेंट्स के पास ये भेजा है तो कल उसके पता लगेगा उसका क्या फेट होगा ये एडजमेंट मोशन एडमिट होगा नहीं होगा तो उस बात पे हमारी चर्चा होगी वहां पर। और जैसे आपने देखा जो 84 में जो डिसीजन दिया था हमने परिवार पहचान पत्र का वो भी उन्होंने ये एक्सेप्ट किया क्योंकि परिवार पहचान पत्र जो है वो एक परमानेंट परेशान पत्र बना हुआ है। इसी प्रकार से प्रॉपर्टी आईडी है और इसी प्रकार से और जितने भी पोर्टल चले हुए हैं मैं पहले बार बार कहता लोग परेशान हैं लाइनों में लगे हुए हैं। जैसे भूषण बत्रा जी ने वहां दिखाया और में हम डिस्कशन मांग रहे थे शॉर्टकट ड्यूरेशन को जो उन्होंने कन्वर्ट बदल दी हम माना नहीं तो ये उन्होंने दिखाया करोड़पति आदमी वो उनके वो आए हुए हैं और पेंशन के लिए तो ये है कि कोई मैं नहीं समझता हूँ उस लेवल का आदमी पेंशन के लिए अप्लाई करेगा तो ये परिवार पहचान पत्र जो पोर्टल है उसकी विफलता साफ जाहिर करता है। ये पोर्टल सिस्टम जो जो जन विरोधी पोर्टल हैं ये जो है जनता को परेशान कर रहे हैं चाहे वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा हो या परिवार पहचान पत्र हो या प्रॉपर्टी आईडी। सर सीएम साहब कह रहे थे कि इसमें अगर कोई भी खामी होती है तो उसका तुरंत जो है नाम काट दिया जाता है। कितने साल से चल रहा है जब से चल रहा है खामियां ही मिली उसमें नाम काट दिया जाता है क्या मतलब फिर ऐसे ऐसे आदमी नाम लिखा जाएगा। मैंने ये कहा कि भाई जिस कंपनी को ठेका दे रखा है उसके ऊपर क्या एक्शन लिया आपने। एक करोड़पति का आदमी को ओल्ड एज पेंशन में आप डाल रहे हो तो उसका इसका क्या उसका अपमान नहीं होगा क्या। गरीब आदमी के लिए जो चीज है जो है ओल्ड एज पेंशन जो है जरूरतमंद लोगों के लिए बनी हुई है सक्षम है आपका उनके लिए थोड़ा ही। जो मेवात में जो यात्रा है गुरु में पुलिस मंडल यात्रा ये फिर से 28 तारीख को आयोजित की जा रही है कि इंटरनेट सेवा जो है वहां पर बंद कर दी गई है 25 तारीख से लेकर 26 तारीख से 28 तारीख को इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है। आप क्या समझते हैं कि इंटरनेट सेवा को बंद करके जो यात्रा का जो कार्यक्रम हो रहा है वो सही है उचित। देखिए यात्रा तो कोई भी निकाल सकता है लेकिन यात्रा की सुरक्षा और कोई वो ना हो सरकार की जिम्मेवारी हमारे वो यात्रा देखो सरकार ने मना किया है जैसे पहले जो है विफल हो गई सरकारी विफल सरकार है नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट इतनी विफलता किसी सरकार की नहीं देखी होगी कि एक हफ्ता 10 दिन पहले से ये लग रहा है कि आशंका है यहाँ आपस में टकराव हो सकता है ऐसे हालत कुछ शरारती तत्व पैदा कर रहे हैं तो वो वहां कोई भी कदम नहीं उठाया नुकसान हुआ इतना भारी। वहां के लोकल जो है उनका भाईचारा आपस में मजबूत है आज भी है पहले भी रहा 47 में भी कभी टकराव नहीं हुआ उनका लेकिन
ये सरकार की विफलता है या और इसी वास्तव में कहा है कि भाई कम से कम हाईकोर्ट के जज के अंतर्गत जो है जुडिशियल इंक्वायरी बिठाई जाए ताकि पता लगे कि विफलता है या जानबूझ के किया है या किसकी साजिश है। साजिश का पता लगे सरकार जाती है सोची समझी साजिश की कौन पता करेगा किसकी साजिश है बताओ। लेकिन सर अभी सिंह चौटाला अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि इस मुद्दे पर अर्जेंटमेंट मोशन दिया था कांग्रेस ने लेकिन अर्जेंटमेंट मोशन का मतलब होता है काम जो है वो रोको और इसके ऊपर बात हो। कांग्रेस की भी पोल खुल गई है कांग्रेस इस मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहती उनका ये आरोप है अभी चौटाला का भी मीडिया ऐसा है मैंने बताया ना वो कल ही बात हुई थी मैंने उठाया था मुद्दा तो स्पीकर ने कहा कि गवर्नमेंट कमेंट्स के लिए भेज रखा है ये प्रोसीजर है कल देखेंगे हम सोमवार को या फिर तो मुद्दा पूरा लेकिन स्पीकर ने कहा गवर्नमेंट के कमेंट्स के लिए भेज रखा है वर्तमान में सर आपने अब अभय सिंह जी को भी ये समझना चाहिए कि कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जब स्पीकर ये कहता है कमेंट्स के लिए भेज रखा है तो इंतजार करना पड़ेगा सोमवार को। मुद्दा साहब आपने कल गृहमंत्री से भी आप इस मुद्दे पर एक बात गिरा बोली थी आप कह रहे थे आपके पास सीआईडी नहीं क्या सीआईडी के पास देखा ना आपने नू में इनका बयान आया गृहमंत्री जी का कि मेरे को तो 3 बजे पता लगा और अभी किसी और ने बताया पुलिस ने इसको वो भी नहीं खबर करी तो जिस चीज ना आंख है ना कान है ऐसे महकमे का मंत्री बने बैठे हैं होम का तो भाई सीआईडी जरूरी है तो फिर क्या जब इतना कोई भी मानता है अब जब होम मिनिस्टर ये कहे कि प्रदेश में इतना वो हो गया इतनी गाड़ियां जो हुआ उन्होंने लिखा और इनको 3 बजे पता लगा वो भी पुलिस से नहीं पता लगा इससे ज्यादा क्या विफलता इससे ज्यादा विफलता क्या हो सकती है। सर इसके अलावा सीएम के पास जिस तरीके से सीआईडी आपको क्या लगता है इस कोऑर्डिनेशन की वजह से भी ये जो है प्रॉब्लम हुई है इसको यही तो मांग रहा हूँ मैं हाईकोर्ट में जज की जुडिशियल पर यही मांग रहा हूँ कि क्या है ये जो इनके बयान आए हैं मुख्यमंत्री जी के ये सोची समझी साजिश थी तो किसकी साजिश थी बता लगेगा ना ये कौन कौन साजिश था या कोविड का फेलियर था या कोई ऐसी जानबूझ के की गई ये सब पता लग गया। आपके समय में जब यात्रा होती थी सर क्या प्रबंधन होता था क्या पूरा प्रबंध होता था कभी हमारे यहाँ से दंगे फिजाद हुई नहीं सरकार तो दंगों की सरकार है आपके टाइम तो ब्रिटिश एक मिनट हुड्डा साहब ओपीएस स्कीम को लेके जिस तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके कल मुख्यमंत्री ने एक विधायक को जवाब दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि जब भी सेंटर की जो कमेटी बनाई गई है ओल्ड पेंशन स्कीम पर वो उसकी रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही हम प्रदेश के में निर्णय लेंगे। हमने तो कह रखा है ओपीएस हम लागू करेंगे कांग्रेस सरकार आ गई तो पहली कैबिनेट में फैसला होगा जैसे हिमाचल में किया हिमाचल में तो लागू हो चुकी है हिमाचल में लागू होगी राजस्थान में लागू होगी छत्तीसगढ़ में लागू होगी तो यहाँ लागू करने की क्या दिक्कत आपकी सरकार की पहली कैबिनेट में ही लागू होगी। हाँ कांग्रेस की सरकार जो भी आई कल ही मैं कह रहा था चार्जशीट दायर करी 8 महीने बाद पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ उसके जो वकील है उनको कहना है कि मुख्य धाराएं जो इसमें होनी चाहिए थी वो इसमें नहीं है तो आप किस तरह देखेंगे इसमें छेड़छाड़ की धारा लगाएगी छेड़छाड़ की धारा लगाएगी एक भी धारा नहीं लगाएगी चार्जशीट लगेगी होगी तो वो और भी जो वकील इस बात को कोर्ट में करेंगे इस बात को लेकिन जो आज चार्जशीट दी है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि संदीप सिंह जी को नैतिकता के आधार पर आशीर्वाद दे देना चाहिए दोनों अनिल मुख्यमंत्री जी को उनका आशीर्वाद मांग रहे हैं। सोमवार को विधानसभा के मॉनसून सत्र में आप इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांग सोमवार को जो सत्र शुरू होगा मॉनसून सत्र मैं तो अभी मांग रहा हूँ मैं तो अभी कह रहा हूँ नैतिकता तौर पर पहले भी कहा था मैं क्योंकि हुआ था उस टाइम भी कहा था अभी यही कहा उस टाइम सरकार ने कहा पुलिस जांच करिए तो चार्जशीट अब तो चार्जशीट दाखिल होगी ना तो अब मैं कह रहा हूँ आप तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और या मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा मांग लेना चाहिए।
बेटा साहब आप फ्लड्स की बात कर रहे हो, क्या आपको लगता है कि पूरे प्रदेश में इलीगल माइनिंग भी एक बहुत बड़ा रीजन है? वन ऑफ द मेजर रीजन जो यमुना का रास्ता, मैं नहीं कह रहा हूँ, एनजीपी ने कहा है कि यमुना का रास्ता बदल गया। और जो अपने दादूपुर मलवी नहर थी वो इन्होंने आठ दी, उससे फ्लड हो गया। और अपना जगह जगह आपने देखा कहीं ड्रेनेज सफाई नहीं हुई, सरस्वती नहर की नहीं हुई, कुरुक्षेत्र के बाद जो पानी गया है उसकी सफाई नहीं हुई, नहरों की खुदाई नहीं हुई, वहां से उठा नहीं है। तो ये कारण है। और माइनिंग का तो ये आप समझ सकते हो, कुछ नॉर्म्स होते हैं कि इस तक माइनिंग होती है, जब उससे ज्यादा गहरा चला जाता है तो कई कई एकड़ जमीन ही बह गई। और इस बार की जमुना का रास्ता बदल गई, जो रुख यूपी की तरफ होता था वो यहां पर हो गया है यमुना का। तीन दिन का जो सेशन रखा गया है और आपके बहुत ज्यादा मुद्दे हैं, देखिए कुछ पॉसिबिलिटी है बढ़ने का? हम तो कहेंगे बीएचपी मीटिंग में भी कहा था मैंने, और इसी बात से जब स्पीकर साहब कह रहे थे बीएचपी मीटिंग की रिकमेंडेशन, मैंने खड़ा होकर पूछा था उनसे भाई ये क्या यूनानी प्रसर्व करने की है, क्योंकि मैंने उसको एक्सेप्ट किया और समझ पाया बीएचपी की मीटिंग में। हाँ अरे हुआ तो था, हम मीटिंग हाउस में तो बात हुई थी जब मैंने क्वेश्चन किया। इनके जो इन्होंने 12 जिले बाढ़ग्रस्त घोषित किए हैं, अगर किसी 13 जिले में कोई इन्फेक्टेड हुआ एरिया या पीड़ित है तो ये कह रहे थे डिप्टी सीएम ने कहा कि जो बाढ़ग्रस्त एरिया घोषित कर दिया केवल उसी में मदद मिलेगी, अगर कुछ और शहरों में कस्बों में लोगों का नुकसान हुआ है तो उसमें मतलब उनकी मदद क्यों नहीं होगी? तभी जी वो कह रहे ना कि हम कर नहीं सकते, ये तो नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है ना, तो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। दो दो साल के मुआवजे बढ़े किसानों के अब तक फ्लड के। सर अभय चौटाला ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें मुख्यमंत्री को लेकर के जनसंवाद में जो जाते हैं उन्होंने कई कार्य बताए जो आदेश दिए थे अधिकारी को आदेश दिए थे, कहीं जोहड़ खाली करने को लेकर के, साफ करने को लेकर के कहीं आदेश दिया था, स्ट्रीट लाइट चोरी हुई है उसकी इंक्वायरी करने को लेकर किसके थे, उन्होंने कहा कि आज कई दिन बीत जाने के बाद भी नहीं हुआ। अधिकारी मुख्यमंत्री की बात को लेकर के भी जो है सजग नहीं है, क्योंकि विफल सरकार है, विफलता के लिए वो होते हैं कि कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो बात। जनसंवाद का क्या मैं जनसंवाद में यहाँ पे ये यहीं से पोर्टल चला लें, वहां तो आदमी सिक्योरिटी के होते हैं सीएम इंडो पोर्टल भी है। अरे ये पोर्टल तो कर लेंगे बात, तो वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने जो भरपूर जिसको आदेश दिया था उस आदेश को भी कम्प्लायंस नहीं हो रही। तो विफल सरकार का तो यही तो होता है, और मैं कहता हूँ सरकार विफल है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट। आप भी मुख्यमंत्री रहे हैं, कुछ अधिकारी ऐसे थे जो आपके आदेश की कम्प्लायंस नहीं करते थे? नहीं, जो आदेश नहीं करता था वो भुगतता था मैं। सर लॉ एंड ऑर्डर को लेके कल कौन कौन से इश्यू आप रेज करोगे सेशन में? सारे हैं, गृह में जो वो भी है और सारे जो आज कानून व्यवस्था की जो आप देख रहे हैं कि क्राइम रेट जो है एनसीआर की रिपोर्ट जो है हम ऊपर के दो दिन अपराध में फंस गए, और हरियाणा जो है सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश माना गया है। सरकार तो कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर बड़ा अच्छा है, एसपी जो मेरी रिपोर्ट है ना वो तो प्रधानमंत्री की वो है, सोशल इंडेक्स की है, सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स जो है एसबीआई की रिपोर्ट है, उसमें हरियाणा को सबसे ज्यादा देश में सबसे असुरक्षित प्रदेश हरियाणा को माना जाएगा। मेरे पास रिपोर्ट अपनी हाथ में, हरियाणा अनसेफ हो चुका है, हरियाणा अनसेफ हो चुका है। हाँ वो तो मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये किसकी रिपोर्ट है? सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है, उसकी रिपोर्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। मामला है
नू मेवात में जो हिंसा हुई है, स्पीकर साहब कल ये कह रहे थे कि ये क्योंकि मामला सब जुडिस है, हाई कोर्ट में इसका रिट है, तो इसमें कोई डिस्कस नहीं हो सकता। कोई सब जुडिस नहीं है, कानून व्यवस्था कोई गलती नहीं है मामला। जो आपने कानून को दिए हैं या ध्यान रखें जो नू हिंसा को लेकर आपने दिया है, वो सब जुडिस क्या है, क्या कौन है वो, तो उसके लिए जो इन्होंने वो बुलडोजर चलाया ना उसके मामले उसके है, वो तो वो एक इशू के लिए है, कोई सब जुडिस नहीं है। जो वहां कानून व्यवस्था फेल हुई, सरकार फेल हुआ, वो सब जुडिस पड़ी है, वो तो बुलडोजर के खिलाफ जो इन्होंने कोई हाईकोर्ट ने स्टे दिया है। सर भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता रद्द कर, क्योंकि कोई भी हो कानून जो है कानून को अपना काम करना चाहिए, कोई इलीगल बिल्डिंग है तो उसको नोटिस देना चाहिए, तो यही सवाल वहां है, लोग दिए दिए ये नहीं है। भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता रद्द कर दी है, भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता रद्द कर दी है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि यह नहीं मिलता है, आपके मित्र गृहमंत्री बाहर चले गए थे आपसे नोकझोंक के बाद, कौन अनिल साहब तो वापिस तो आ गए, आपने बुलवाया था, आपने बुलवाया आ गए, कैसे कैसे आइए तो बता दो, मुख्यमंत्री जी गए बुला लिये उनको, आपने भी कहा मैं तो कहा बुला लो, तो बात बुला लो, क्योंकि ऐसा है, मैंने कहा भाई इनके बगैर हाउस शोभा नहीं है। देखो ना, इस साहब का हाउस में रोल है, कोई आदमी मकान अच्छा बनाता है तो सारी हड्डी रख लेता है ताकि टोक ना लगे, ये नहीं होंगे तो हमारे दास साहब टोक लगेगी, ये बात तो उनका होना जरूरी है। दूसरा चौटाला ने उठा साहब ऐसे चैलेंज किया डिप्टी स्पीकर को, क्या वो सामान्य बात थी? ये देखो लोग आदमी क्या थी, शॉर्ट टर्म डिस्कशन को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्वालिफिकेशन में उतर सकते हैं आपका, वो तो आपके समय तो उदाहरण देने लगे थे। नहीं वो तो मैंने तो पूछा मैंने निकाल बताओ, ये सिर्फ रूल्स में ये है कि भाई जो उसने दिया हो और गवर्नमेंट का जो है दोनों सहमत हो तो हो सकता है, मंत्री और इसमें तो किसने पूछा नहीं। ठीक है सर, ठीक है, अरे चंद चार बन गया, धन्यवाद।